हरे कृष्णा, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और आज की वीडियो शेयर करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं जानता हूँ कि जो मैं यहाँ पर डाइट प्लान आपको बताने वाला हूँ इस गर्मियों के मौसम में फॉलो करने के लिए, वो सुन के आप बहुत खुश हो जाएंगे। और अगर इसको 100 लोग फॉलो करते हैं तो आप में से अधिकतर लोगों को इससे बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। पिगमेंटेशन में तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, बहुत सारी चीजों में आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, मेलाज्मा के लिए और कोलाज्मा के लिए ये क्या है, ये व्हाट है, व्हाई, क्यों होता है ये, हाउ, कैसे होता है ये और इसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए हम छोटे से स्टेप्स में इनको जान लेते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन, देखिए मैंने यहां पर नीले रंग से यहां पर आपको बताया हुआ है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन। जब आपकी त्वचा में, हमारी त्वचा में एक चीज है जो कि रंग देती है मेलेनिन नाम की, जब इसका ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, वो चाहे कहीं पर भी हो, चाहे आपके चेहरे पर हो, चाहे आपके हाथों पर हो, आपको वहां पर पिगमेंटेशन नजर आनी शुरू हो जाएगी, हाइपर पिगमेंटेशन आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज है, अगर मान लीजिए अगर आज आपकी त्वचा के अंदर से ये जो पिगमेंटेशन है, ये मेलानिन है, अगर आज से निकलना शुरू हुआ है तो आप ये समझिए कि 3 या 4 महीने के बाद में आपकी ये अपर लेयर पर आके दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बहुत फास्ट ये त्वचा पर आ जाता है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बहुत धीमे धीमे करके ये त्वचा पर आता है। बहुत फास्ट उन केसेस में आता है जहां पर हमारे बाह्य कारण शामिल होते हैं, और बहुत स्लो वहां पर तब आता है जब हमें शरीर के अंदर अंदर के कारण उपलब्ध हों। और इसमें लिखा है कि ये जो हाइपर पिगमेंटेशन है ये ऑल स्किन टाइप के लोगों को प्रभावित करता है, वो चाहे स्किन ड्राई हो, पतली हो, मोटी हो, सूखी हो, रिंकल्स वाली स्किन हो, हर किसी को ये प्रभावित करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ एंड व्हाई। हाउ का मेरा मतलब ये है कि कैसे कैसे ये फैलता है आपके त्वचा पर और ये क्यों होता है। तो मैंने यहाँ पर दो कारण आपको बताए हैं, एक तो इंटरनल और ये एक्सटर्नल, अंदर के कारण की वजह से और आपके बाहर के कारण की वजह से। बाहर के कारण की वजह से बहुत कम लोगों को ये इफेक्टिव होता है, लेकिन अंदर के कारण से बहुत ज्यादा ये होता है। अंदर के कारण क्या क्या हो सकते हैं, आपके हार्मोन्स के बिगड़ने की वजह से हो सकता है, टॉक्सिन की वजह से आपको हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, दुखी होने की वजह से हो सकता है, लीवर में टॉक्सिन आपके निकल रहे हों उस वजह से हो सकता है। और इसका मुख्य कारण जो होता है आपके शरीर के अंदर पित्त का भड़कना, पित्त का बहुत ज्यादा भड़कना। इसमें दो फैक्टर बहुत मायने रखते हैं, एक तो पित्त और एक वात, लेकिन 90% पित्त इसमें शामिल होता है और 10% इसमें वात शामिल। इसके बिगड़ने से आपके हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, शरीर के अंदर टॉक्सिन इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस में आप रहते हैं, और अगर किसी दुख की वजह से, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और बीच में अगर उनकी पिगमेंटेशन बढ़ती है और मैं उनसे बात करता हूं कि ऐसा क्या हुआ कि पिगमेंटेशन आपकी बढ़ी, तो बोलते हैं कि घर में कोई बीमार हो गया था जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस लेना पड़ा बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हमें पिगमेंटेशन डार्क नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही वो स्ट्रेस हमारा जाना शुरू हुआ, हमारी पिगमेंटेशन फिर से ठीक होना शुरू हो गया। तो ये स्ट्रेस इसका बहुत बड़ा कारण होता है। अगला एक्सटर्नल कारण जो होता है इसका, सन से एक्सपोजर, यानी कि धूप में लगातार एक्सपोज होना, स्टेरॉइड क्रीम यूज करना और हार्ड फेशियल कराना, रबिंग कराना चेहरे पर, पीलिंग करा लेना पिंपल्स के लिए या फिर लेजर करा लेना पिंपल्स के लिए, हेयर्स के लिए, ये बहुत अधिक ये एक्सटर्नल कारण की वजह से होता है। अब मैंने यहाँ पर पहला फैक्टर लिखा है कि सन एक्सपोजर। अब सन एक्सपोजर में सबसे पहले आपके मन के अंदर ये आएगा, तो क्या डॉक्टर साहब हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति मान लीजिए सुबह से 9 बजे तक और शाम के 5 बजे तक धूप में रहना है, 9 से लेकर 5 बजे तक धूप में रहना, उसको तो सनस्क्रीन भी नहीं बचा सकता। मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि सनस्क्रीन लगाना चाहिए और अगली कई वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए। तो ऐसे कमेंट या ऐसे प्रश्न मेरे से लोग पूछते रहते हैं, डॉक्टर साहब एक वीडियो में आप बताते कि लगाना चाहिए, एक में बता रहे कि नहीं लगाना चाहिए। तो लगाना चाहिए मैंने उन लोगों को बताया था जो लोग पूरे दिन धूप में रहते हैं, यानी कि सारा का सारा दिन उनको धूप में रहना पड़ता है। मान लीजिए कोई महिला है और उसकी ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस में लगी हुई है, उसको क्या करना चाहिए। अब गर्मी का मौसम आ रहा है, बहुत तेज धूप रहेगी, उसको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखिए कि सनस्क्रीन का असर केवल और केवल 2 घंटे रहता है, मात्र 2 घंटे रहता है। आपको एवरी 2 आवर अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपके सर पर कैप पहने ताकि धूप का इफेक्ट बहुत कम हो चेहरे पर। और जितने भी लोगों को केवल 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए धूप में निकलना है, वो केवल चेहरे पर कैप लगाएं और अपने चेहरे को मास्क से ढक लें, सूती कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, उससे अपने चेहरे को ढक कर जाएं। उनको सनस्क्रीन लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग पूरे दिन धूप में रहते हैं उनको सूर्य की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें चूज़ करना पड़ता है कि हमें साइड इफेक्ट कौन से चाहिए, बहुत ज़्यादा वाले चाहिए कि बहुत कम वाले चाहिए।
तो हम यहाँ पर सनस्क्रीन लगाकर कम साइड इफेक्ट को चुनते हैं कि चलो साइड इफेक्ट होंगे लेकिन कमी तो होंगे। आगे हम इनका बात करते हैं सॉल्यूशन की। इसका सॉल्यूशन क्या है? इंटरनल के लिए अलग सॉल्यूशन है, एक्सटर्नल के लिए अलग सॉल्यूशन है, और ऐसे भी सॉल्यूशन है जो कि दोनों में कॉमन है। इंटरनल के लिए क्या सॉल्यूशन है? इंटरनल जो कि शरीर के अंदर आपके हुआ है वो डाइट है, योग है, मेडिटेशन है, मेडिसिन है, आप इनसे अपने अंदर की पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं जो कि अंदर की वजह से हुआ है आपको। और बाहर से जो पिगमेंटेशन आपको आया है उसमें सबसे पहला है देसी घी, विटामिन सी, प्रॉपर मात्रा में आपका प्रोटीन इंटेक करना जिससे कि आपकी स्किन रिपेयर बहुत जल्दी हो, और इसी में ही आप योगा, मेडिटेशन और मेडिसिन भी कर सकते हैं जो कि आपको पूरी तरीके से ठीक करने का काम करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं डाइट। तो डाइट में हमने क्या करना है? डाइट में बहुत सिंपल डाइट है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। कॉपी पेन ले लीजिए और इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले हमें सुबह उठ के लेना है जूस। ठीक है, जब आप सुबह सुबह उठें तो आपने लेना है नीम का जूस लेना है, या फिर धनिया का जूस लेना है, या फिर पुदीने का जूस लेना है, या फिर ऐश गार्ड का जूस लेना है, या फिर लौकी का जूस लेना है, या फिर खीरे का जूस लेना है, या फिर कोकोनट वाटर लेना है, या आप नीम, धनिया प्लस पुदीना इसको तीनों को मिक्स करके ले सकते हैं, या आप केवल ऐश गार्ड का जूस ले सकते हैं, या केवल आप लौकी का जूस ले सकते हैं, या फिर केवल खीरे का जूस ले सकते हैं, या फिर केवल कोकोनट वाटर ले सकते हैं। ठीक है, आपके लिए जो सुविधा हो वो जूस आप इसमें ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि किसी लोगों को वजन घटाना है, किन्हीं लोगों को वजन बढ़ाना है, और किन्हीं लोगों को अपने वजन को स्टेबल रखना है। ठीक है, तो अब उसमें हम बात कर लेते हैं। अब जैसे खाने में आपको क्या खाना है, ब्रेकफास्ट में आपको क्या खाना है? ब्रेकफास्ट में आप आलू का पराठा खाइए, है ना, जो ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा खा सकते हैं, प्याज का पराठा खा सकते हैं, बेसन का चीला बना के खा सकते हैं आप, और प्लस साथ में आप दही ले लीजिए। आपको याद होगा मैं दही खाने के लिए मना करता हूँ क्योंकि दही की प्रकृति हमारे आयुर्वेद में गर्म बताई गई है, और गर्मियों के मौसम में वो आपके शरीर के अंदर एसिडिक पैदा करने का काम करती है। और कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने गर्मियों के मौसम में मेरे कहने से दही छोड़ी है और उनको एसिडिटी में बहुत आराम मिला, सर के दर्द में बहुत आराम मिला और पाइल्स में बहुत आराम मिला। लेकिन दही का एक काम ये भी है कि वो हमारे पेट को, हमारे पेट की हेल्थ को बहुत अच्छा रखती है। ठीक है, तो एक तरफ तो हमें दही से नुकसान है, प्लस दूसरी जगह हमें दही से फायदा भी है क्योंकि दही से हमें प्री एंड प्रोबायोटिक्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से हमारा पेट, हमारे पेट का सिस्टम बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको लूज मोशन है, अगर आपको IBS की प्रॉब्लम है, और अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता, गैस बनती है, दही इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट पैदा करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दही को प्योर नहीं लेंगे, हम यहाँ पर दही लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने एक कप दही ली, उसमें एक चौथाई कप पानी मिलाया, उसमें हम खीरा कस के डाल सकते हैं, या फिर लौकी का रायता बना के ले सकते हैं, या फिर रात भर आप चिया सीड को भिगोइए, 2-3 चम्मच चिया सीड को भिगोइए और दही में डाल के आप खाने के साथ इसको लेना शुरू कर दीजिए। ठीक, तो आलू का पराठा प्लस दही, दही में या तो खीरे का रायता बनाइए, या फिर लौकी का रायता बनाइए, या फिर चिया सीड उसमें मिला के ले सकते हैं। ध्यान रखिए चिया सीड को पूरी रात भिगोना है अगर आपने लेना है तो। चिया सीड इसलिए क्योंकि ये ठंडी होती है, आपके शरीर के अंदर कूलिंग इफेक्ट पैदा करती है, तो गर्मियों में ये पिगमेंटेशन वाले पेशेंट के लिए बहुत अमृत है, तो चिया सीड आप अवश्य लें। ठीक है, लौकी जो होती है ये बहुत एल्कलाइन होती है, आपके शरीर को ठंडक देगी, बहुत अच्छे से ठंडक देगी और आपको स्वस्थ रखेगी। इसलिए तो जब आप ये लेंगे तो जो दही का जो गर्मी वाला इफेक्ट है वो दूर हो जाएगा और आपका पेट साफ रहना शुरू कर देगा। तो जितने भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, वो लौकी का रायता जरूर लिया करें डेली का। ठीक है, इससे आपके चेहरे पर भी इफेक्ट पड़ेगा, आपकी स्किन यंग दिखनी शुरू हो जाएगी जब आप ये लेंगे। ठीक है, केवल दही नहीं, दही प्लस मतलब लौकी का रायता ही आपको लेना है। ठीक है, इस तरह से। आगे हम दोपहर की बात करते हैं, जैसे दोपहर में आपने सलाद ले लिया, जो भी उस समय के सीजन के सलाद चल रहे हैं आपने वो लेना है, मल्टीग्रेन रोटी लेनी है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे अगर किसी को वजन घटाना है तो वो अपनी डाइट से गेहूं को बिल्कुल त्याग दें, गेहूं बिल्कुल निकाल दें। किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, या किसी को अगर कैंसर जैसी समस्याएं हैं, गेहूं और चावल को वो कम्प्लीटली अपनी डाइट से निकाल दें। कौन कौन लोग निकालें? जिनको डायबिटीज हो, जिनको कैंसर हो, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, और जिनको अपना वजन घटाना है। रोटी कौन सी लेनी है? जो बाजरा, चना, मक्का, ज्वार और रागी, इसकी रोटी बना के वो लें। ठीक है, कोई भी पनीर की डिश ले सकते हैं, चने की डिश ले सकते हैं, जैसे काबली चना हो गया, काला चना हो गया, राजमा ले सकते हैं, सोयाबीन की दाल ले सकते हैं, रायता वही जो मैंने बताया था आपको, लौकी का, खीरे का रायता, प्लस थोड़े से चावल। अगर आप चावल ले रहे हैं तो प्लेन चावल कभी मत खाइए, जीरा राइस बना के खाइए। ठीक है, जीरा राइस आपके पेट की हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगा।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें आपने चूज़ करना है कि आज पनीर की डिश खानी है, कल को चने की डिश खानी है, परसों को राजमा खाना है, उस अगले दिन सोयाबीन की दाल खानी है, रायता सभी के साथ होगा, ठीक है। अब जिनको ना ही वजन घटाना है ना ही वजन को बढ़ाना है, वो लोग क्या करें कि वो लोग जैसे आप ले रहे हैं जो बाजरा चना मक्का ज्वार, ठीक है, उसमें आप लगभग 50% गेहूं मिलाइए, ठीक है, गेहूं मिला के उसकी रोटी बना के आप खाइए। दूसरी बात है थोड़े से चावल टेस्ट के लिए बाद में ले सकते हैं, अगर आप खाने का शौक रखते हैं चावल तो बाद में ले लीजिए, अदरवाइज तो नहीं रखते तो कोई बात नहीं, आपका वेट लूज नहीं होगा। और जिन लोगों को वेट बढ़ाना है अपना, वो वेट बढ़ाने के लिए और पिगमेंटेशन को जल्दी ठीक करने के लिए पनीर की डिश वो एक दिन छोड़ के एक दिन खाएं, साथ में 80% वो गेहूं रखें और उसके साथ में डालें मल्टीग्रेन रोटी, ठीक है, मल्टीग्रेन आटा उसमें करें, जो बाजरा चना मक्का ज्वार और रागी, इस तरीके से। और पनीर है ना, जैसे मान लीजिए खाना आपने पेट भर के खा लिया, उसके बाद में खाना है आपको पनीर हल्का सा 50 या 100 ग्राम, डेली खा सकते हैं या एक दिन छोड़ के एक दिन खा सकते हैं आप इसको, ठीक है, इस तरीके से आपको खाना है, इससे आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब आप नीम पियेंगे, नीम से आपकी भूख खुलेगी, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, खाना आपके शरीर को लगना शुरू हो जाएगा। अब शाम के नंबर में क्या करना है आपको, शाम के नंबर में जूस पी लीजिए या फिर कोई भी फ्रूट आप खा लीजिए, किसी फ्रूट का जूस आप पी सकते हैं या फिर भुना हुआ चना खा सकते हैं। अगर आपके पास में पैसों की प्रॉब्लम है, अगर आप जूस नहीं ले सकते हैं डेली के, फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं डेली के, आप बोलेंगे डॉक्टर साहब दही में ही इतना खर्चा हो जाएगा हमारा, तो हम तो नहीं ले पाएंगे जूस रात को, है ना, मतलब शाम के नंबर में हम जूस नहीं ले पाएंगे इवनिंग में, कोई बात नहीं, आप भुने हुए चने खाइए, कम से कम 50 ग्राम भुने हुए चने खाइए अच्छे से चबा के, ठीक है, इस तरीके से आप अपने डाइट को चलाएं। नाइट में क्या करना है, नाइट में भी वो दोपहर वाला जो मैंने आपको बताया था, बस इसमें सब्जी शामिल करने नहीं है, चाहे तो आप दोपहर में भी सब्जी खा सकते हैं, चाहे तो आप शाम को भी सब्जी खा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हो गई दूध से बनी हुई हमारी तीन डिश हो गई, तीन डिश कौन कौन सी हो गई, एक तो दही हो गई, एक हमारा हो गया पनीर और तीसरा हो गया हमारा देसी घी। देसी घी जरूर डाल के खाइए अपनी सब्जियों में, देसी घी से फैट मिलता है और फैट जब आपकी त्वचा के अंदर आके जमा होगा चेहरे पर आपको शाइन आएगी, ठीक है। आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद आपको क्या करना है जिससे कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो। देखिए वैसे तो डाइजेशन के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ आ गई, अभी जो लौकी का रायता आप बना के खाएंगे, इसमें आप सौंफ, इसमें आप जीरा भी डालिए, इसमें आप हींग भी डालिए और इसको टेस्टी बना के आप लीजिए, ठीक है। अब खाना खाने के बाद जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, जिन लोगों को माइग्रेन होता है, जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है और पिगमेंटेशन भी है, पेट खुल के साफ नहीं होता, उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री आप अवश्य लें, एक चम्मच सौंफ एक चम्मच मिश्री। अगर खाने खाने मतलब बोर हो गए हैं खाते खाते मिश्री और ये सौंफ, तो आप एक काम क्या करें, जैसे एक जग पानी, 3 गिलास पानी लीजिए एक जग में रात को, उसमें 6 चम्मच सौंफ डालिए, 6 चम्मच मिश्री डालिए और एक एक गिलास खाना खाने के एक एक घंटे बाद लेते रहिए। जैसे सुबह नाश्ता किया 1 घंटे बाद ले लिया, दोपहर को लंच किया 1 घंटे बाद ले लिया, रात को डिनर किया 1 घंटे बाद ले लिया, और कोशिश करें कि रात का जो खाना है वो बहुत जल्दी खाएं, ठीक है, मतलब जब शाम हो रही हो उसी समय आप रात के खाने को खा लें। आगे, अब आगे हमारा पार्ट आता है एक्सरसाइज का। अभी तो खाने का पार्ट तो हमारा हो गया, अब हमारा होता है एक्सरसाइज का पार्ट। एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, देखिए सुबह 30 मिनट वॉक कीजिए और 30 मिनट योग कीजिए मॉर्निंग में, जो भी योग आप कर सकते हैं कंफर्टेबल हैं करने में, बहुत बुरी तरीके से स्ट्रेच नहीं करना है बॉडी को, जो भी आपको रिलैक्स करे वो योग आपने करना है। और योग करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। या फिर हाँ, योग करने में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, और जो भी स्ट्रेच वाले एक्सरसाइज हैं बहुत खींच के नहीं करना है, जितने में आप कंफर्टेबल हैं इजीली कर सकते हैं वो आपने योग करना है। रात को भी 1 घंटा वॉक करना है रात में, अगर ऐसा पॉसिबल है तो। और जब आप योग कर रहे हो, जब आप जैसे मान लीजिए अभी जैसे आप कोई भी वीडियो देखेंगे योग करने के, पहले तो देख देख के करेंगे, फिर आपको अभ्यास हो जाएगा योग करने का, और जब आपको अभ्यास हो जाए फिर आपने आंखें बंद करके योग करना है, और योग करते करते आपको ऐसा इमेजिन करना है, ऐसा सोचना है अपने मन के अंदर कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ, मेरा चेहरा है वो बहुत सुंदर है। आपने कभी देखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मतलब कि हम अपने मन के विचारों से हम किसी भी चीज़ को अपने आकर्षित करें, लेकिन इसका भी एक नियम है, अगर आप सोचोगे ना मेरा चेहरा भविष्य में अच्छा हो जाएगा, आज मैं डॉक्टर साहब की डाइट फॉलो करूंगा, अब मैं डॉक्टर साहब के बताया हुआ एक्सरसाइज फॉलो करूंगा, अब मेरा चेहरा भविष्य में बहुत अच्छा हो जाएगा, उसे ऐसी मेरी पूरी आशा है, ठीक है। आप इस दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं, इस ब्रह्मांड को क्या संदेश दे रहे हैं, ठीक है, ये जो ब्रह्मांड है
ये है हमारा कल्प वृक्ष, यानी कि इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष है ये ब्रह्मांड। इससे जो इच्छा आप मांगोगे ना वो आपकी पूरी होगी। अब जरा अपने पास्ट उठा के देखिए, आपने जो जो इच्छाएं इससे की होंगी, वो चाहे दुख की हों, वो चाहे सुख की हों, वो आपकी पूरी अवश्य हुई होंगी किसी ना किसी रूप। तो इच्छाएं हैं, सोच समझ के मांगिए। तो जब आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा चेहरा बहुत अच्छा हो जाएगा भविष्य में जाके, अब तो मैं ये सारी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ या फिर डॉक्टर साहब की दवाई खा रही हूँ, मेरा चेहरा बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आप यूनिवर्स को संदेश दे रहे हैं कि बहुत अच्छा हो जाएगा भविष्य में। तो यूनिवर्स भी आपको बोलेगा ठीक है बहुत अच्छा हो जाएगा भविष्य में आपका। लेकिन भविष्य तो कभी आता ही नहीं है, जब भी आता है आज ही आता है, आज तक कभी कल नहीं आया, जब भी आया है वो आज ही आया है। आप सोचते हो कि कल मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा, लेकिन जब कल आएगा वो तो आज ही है ना, है ना। तो आपने क्या सोचना है जब आप योग अभ्यास करें कि मेरा चेहरा आज अच्छा है। जो भी चीज आपकी विश है, इच्छाएं हैं, जो भी चीज है, आपने उसको बोलना है आज है मेरे पास, अभी है मेरे पास, ठीक है। और आपने उस मोमेंट को एंजॉय करना है। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, अब से 2-3 साल पहले, कि इस तरीके से आप अपने शरीर की बायोलॉजी को बदल सकते हैं, अपनी केमिस्ट्री को बदल सकते हैं। आप सोचिए ना, आपका चेहरा बहुत सुंदर है, सब लोग आपके चेहरे को देखकर आपकी तारीफ कर रहे हैं। सोचिए इस चीज को, आंखें बंद करके सोचिए कि मेरा चेहरा बहुत अच्छा है, सब लोग इसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं मेरे चेहरे की, और मेरा चेहरा बहुत चमक रहा है, बहुत शाइन कर रहा है, लोगों की मेरे चेहरे से नजर नहीं हट रही है और मैं ही अट्रैक्शन का पॉइंट हूं। इस तरीके से आप सोचेंगे, इस तरीके से आप सोचेंगे, ऑटोमेटिकली आपका चेहरा अच्छा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके मन के अंदर जो भी पिक्चर बनेगी आपका शरीर उसको साकार करना शुरू कर देगा। आपका शरीर, आपके हार्मोन्स, आपके जीन्स आपके स्लेव हैं, आपके गुलाम हैं। जैसा आप यहाँ पर पिक्चर बना देंगे वैसा ही आपका शरीर उसको रिएक्ट करना शुरू कर देगा। फिर वो चाहे जॉब के लिए हो, फिर चाहे वो गाड़ी के लिए हो, फिर चाहे वो किसी फोन के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, आप उसको शेप देना शुरू कर देंगे। और दिन रात यही चीज़ सोचिए आप, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ऐसा नहीं कि आप योग करे जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं यार पिगमेंटेशन तो कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि उन डॉक्टर साहब ने मना किया था कि ऐसा ठीक ही नहीं होता है। ये विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी बायोलॉजी को वैसे ही शेप कर रहे हैं। एक किताब है डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, उन्होंने कहा था द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, कि आपकी बिलीफ से आपकी क्या बायोलॉजी बनती है। आपने एक चीज़ देखी है, किसी व्यक्ति को कैंसर है और उसको जब तक पता नहीं है वो बड़े मज़े में जी रहा है, बहुत खुश है अपनी लाइफ में, वेट उसका लगातार मेंटेन है, और जैसे ही उसको डायग्नोस हुआ डॉक्टर के पास जाके, अरे यार आपको तो कैंसर है, बंदा अगले 2 महीने में निकल जाएगा। अगर वो अपने अभी 2 साल जी लेता या फिर 10 साल जी लेता, अगर उसको नहीं पता लगता वो अगले 2 महीने में निकल जाएगा। क्यों, कैसे हो गया? वो डर, कैंसर का डर, वो फियर, वो दिमाग के अंदर वो इमेजिनेशन, वो बायोलॉजी को शेप देती है, और वो इतना स्ट्रॉन्गली उस चीज़ को महसूस करता है, बोला कैंसर अब तो मैं बचूंगा नहीं। हालांकि मुझे शब्द ऐसे नकारात्मक बोलने नहीं चाहिए, उससे मेरी ही बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, वो चाहे मैं हल्के बोल रहा हूँ चाहे मैं उसको फील करके बोल रहा हूँ। कभी भी अगर आप कोई भी सुपरफिशियल शब्द बोलते हैं ना वो आपको बॉडी पे इफेक्ट करता है, लेकिन अगर आप उसको फील करके बोलते हैं अंदर, तब उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए नकारात्मक शब्द नहीं बोलने चाहिए, हमेशा उसके लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए, जैसे मैं वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ, ये करना चाहिए, ठीक है। मेडिटेशन, मेडिटेशन के मतलब मेडिटेशन में मैं आपको मेडिटेशन बना के दूंगा, गाइडेड मेडिटेशन, आप योग करते हुए भी उसको सुन सकते हैं और रात को सोते हुए भी उसको सुन सकते हैं। हम केवल और केवल आपकी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, आपके ध्यान को प्रगाढ़ करेंगे, मतलब ध्यान को स्थिर करेंगे, आपके एक ही जगह पर लेके आएंगे, और उस ध्यान में हमने केवल एक मंत्र का उच्चारण करना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अभी तो वो वीडियो तैयार नहीं है, बट जब वीडियो तैयार होगी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। लेकिन आज से ही रात को सोते हुए आपने क्या बोलना है, ध्यान रखना, जब आपकी आंखें बंद हों आपका सारा ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ लगा लेना जिससे कि आपको यहाँ पर आपका ध्यान यहाँ रहे, इस जगह पर, ठीक है। या फिर जैसे आप बोले मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, यहाँ पर उंगली यहाँ पर रखें ताकि आपका ध्यान यहाँ रहे, ठीक है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा आपने सोचते रहना है। और अगर आपको संस्कृत भाषा की समझ है, क्योंकि संस्कृत सबसे शुद्ध भाषा है, इसको देववाणी कहा जाता है क्योंकि बहुत प्राचीन भाषा है, तो अहम स्वस्थ अस्मि। लेकिन मैंने क्या बोला कि जब कोई चीज़ आप फील करते हैं ना अंदर अंदर, फील करके जब बोलते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। संस्कृत से हम भली भांति परिचित नहीं हैं, तो हमने बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ या फिर मैं ठीक हूँ, और उस चीज़ को फील करना है। अब आँखें बंद हो रही हैं आपकी, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मैं तन से मन से धन से हर चीज़ से संपन्न हूँ, मैं बल
बुद्धि, भाग्य, हर चीज से मैं संपन्न हूँ। तो इस तरीके से आप अपने मंत्र बना सकते हैं और रात को सोते हुए उनको चैंट कर सकते हैं और सोते सोते उसको सो जाइए, बोलते बोलते, मतलब मन मन में उसको बोलते रहिए, ध्यान यहाँ रखिए। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही हम अपनी इमेज बनाते हैं, हमारा शरीर उसको वैसे ही शेप करना शुरू कर देता है। अगर आप रात में बोलते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, और वैसा ही इमेजिनेशन आप करते हैं अपने मन के अंदर कि आह बहुत सुंदर हैं आप, आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन है और लोग आपकी तरफ को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको आपकी तरफ को ध्यान लोगों का लगा हुआ है और लोगों की नज़र आपसे हट नहीं रही है क्योंकि आप इतने सुंदर हो गए हैं, आपका चेहरा इतना खिल गया है, तो आप देखिएगा आपकी बायोलॉजी वैसे ही शेप होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं इसके लिए मेडिटेशन वीडियो बनाऊंगा, गाइडेड मेडिटेशन, जिसमें कि हम पीछे पीछे आपको इंस्ट्रक्शन करते रहेंगे और आँख बंद करके आप सुनते रहेंगे। वो चीज़ ईजी रहती है, उसमें आपका ध्यान लगा रहता है, क्योंकि जब आप अपने मन से करना शुरू करेंगे इसको तो कहीं कभी आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाएगा। भटक रहा है बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बात नहीं है, उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। जब भी आपको ध्यान है, अरे मैं तो ये मंत्र बोल रहा था, तो दोबारा से आपको इस मंत्र पे आ जाना है और मंत्र को बोलते बोलते आपको सो जाना है। ठीक है, अब बात आती है कि एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन क्या करना है। एप्लीकेशन वही करना है, देसी गाय का देसी घी आप रात में लगाइए। मैंने लगाने के कई तरीके आपको बता रखे हैं, बर्फ़ में फेंट के आप लगा सकते हैं, घी को धोकर आप लगा सकते हैं, आजकल बहुत चल रहा है आयुर्वेद में, बहुत पुराना मेथड है इसको धोके लगाने वाला, उससे घी के साइड इफेक्ट बहुत मिनिमम हो जाते हैं। अगर आपको घी से नुकसान होता है, इसको आप धो लीजिए। धोने का तरीका ये है, तांबे का बर्तन ले लीजिए और तांबे का लोटा ले लीजिए, या फिर कांसे का बर्तन कांसे का लोटा, या फिर पीतल का बर्तन पीतल का लोटा, इस तरीके से उसमें घी आप डालिए, उसमें कोकोनट वाटर आप डालिए और इसको 100 बार आप घुमाइए, 100 टाइम उसको घुमाना है और फिर उस पानी को निकाल लेना है, उस घी को इकट्ठा करना है, फिर से उसमें नया कोकोनट वाटर डालना है, फिर से उसको 100 बार घुमाना है। ऐसा आप 3-4 बार कर लीजिए, है ना। इसमें 3-4 कोकोनट वाटर आपके खर्च होंगे और फिर जो वो घी बनता है वो धुला हुआ घी होगा और उसको चेहरे पर आप लगाइए। ठीक है, मैं भी आप लोगों को इस तरह का घी जल्दी ही अवेलेबल कराऊंगा, जिसको मैं 100 बार वॉश करना पड़ता है और 100 टाइम उसको रोटेशन करने पड़ती है, यानी कि लगभग लगभग 10,000 बार उसको धुला जाता है। उस तरह का घी मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, मेरा अभी कोई विचार भी नहीं है। बस वीडियो बनाते बनाते मेरे मन के अंदर विचार आया कि मैं आपको अवेलेबल कराऊँ, हो सकता है कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद आपको अवेलेबल कराऊँ, लेकिन मैं अभी बोलूँगा घर पे ही बनाइए आप उसको। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे लिए भी बहुत सरदर्दी का काम होता है घी को इकट्ठा करना, क्योंकि मुझे भी घी 300-400 किलोमीटर दूर से मिलता है, जो देसी जो मैं आप लोगों को अवेलेबल कराया ना, बहुत अच्छा घी है ना, वो उसकी खुशबू ही बहुत शानदार है ना, जो मैंने घी आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया, ये घी मीशो पर मैंने यहाँ पर अवेलेबल करा दिया है और बहुत कम प्राइस में मैंने अवेलेबल कराया है, बस कोरियर चार्जेस मीशो अपनी तरफ से काट रहा है वो। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि घी हमें डिलीवर नहीं हो रहा है, देखिए मैं तो यहाँ से भेज देता हूँ और कई बार ऐसा होता है कि वही लोग वापस कर देते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे पास बिल्कुल बंद डिब्बे, सील पैक डिब्बे आते हैं, खुले हुए भी नहीं होते। तो घी आप इस तरह से बना सकते हैं घर पे। अब गाय का घी आपके पास अवेलेबल नहीं है, भैंस का घी बना लीजिए, कोई बात नहीं, शुरुआत तो कीजिए कम से कम। दिन में आपको लगाना है सुबह सुबह उठ के कोकोनट प्लस सलाइवा, है ना, गोले को चबा लीजिए, खोपा जिसको बोलते हैं, या तो वो दूधिया गोला होना चाहिए या फिर सूखा हो गया, उसको चबा लीजिए, अच्छे से चबा लीजिए उसको, फिर उसको लार निकाल के चेहरे पर लगा लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको करना। अब कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें तो हमें ये हो जाती है, मतलब स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, तो कोई बात नहीं, इस आप दिन में ग्लिसरीन मिला के लगा सकते हैं, आप ग्लिसरीन प्लस गुलाब जल ये मिला के लगा सकते हैं, उससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। और वैसे भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये करते हैं तो आपकी स्किन ड्राई होगी ही नहीं, आपकी स्किन नॉर्मल रहेगी कुछ समय के बाद में। आप ध्यान रखिए, पिगमेंटेशन अंदर से शुरू होता है कई लोगों का, और जब वो अंदर से तो 3-4 महीने पहले शुरू होता है, चेहरे पर तो बहुत बाद में दिखाई देता है आपके। जैसे मान लीजिए आज आपको शुरू हुआ है तो 4-5 महीने बाद आपके चेहरे पर दिखाई देगा। इसी प्रकार से जब आपके चेहरे पर आज पिगमेंटेशन ठीक होगा तो जो फटा हुआ निशान है ना, वो आपको लगभग 1 महीने बाद या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जाके दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वीडियो थी, इसके नीचे मुझे प्रश्न पूछिए, आपके प्रश्नों से जुड़े हुए मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगा आगे। जो भी इस वीडियो में रह गया होगा, कोई कन्फ्यूजन आपको पैदा हो रहा, मुझे आप पूछिए, मुझे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे मैं आपके प्रश्नों पर ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं प्रार्थना करूंगा, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, और मैं प्रार्थना करूंगा कि जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है आप उसको पूरे मन से आप फॉलो करें। मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरी ये बताई चीज़ से आपको बहुत लाभ मिले, परमात्मा सभी का भला करें।